दरभंगा के नाका 5 स्थित स्मार्ट बाजार में हुआ भयंकर फसाद, जिसके बाद खूनी मारपीट के बीच मौत से जूझ रहा है एक युवक। वहीं लोगों की आक्रोश देख कई थानों की पुलिस सहित डीएसपी खुद कर रहे हैं अगुवाई। जी हां, दरभंगा के नाका 5 स्थित स्मार्ट बाजार में बड़ा फसाद हुआ है, जहां दरभंगा की युवक मोहम्मद जिलानी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है। वहीं जिलानी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां जिंदगी के आखिरी सांस वह ले रहा है। इधर माहौल की गर्मी को देखते हुए कोतवाली थाना के पास कई थानों की पुलिस सहित सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद अगुवाई में जुट गए हुए हैं। ठीक इधर जानकारी के अनुसार 22 साल के मोहम्मद जिलानी, जो कि नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले के रहने वाले हैं, जिसे आपसी विवाद में मार पीट कर अधमरा कर दिया गया है। यह वारदात नेशनल सिनेमा स्थित स्मार्ट बाजार परिसर में हुआ है, जहां स्मार्ट बाजार मॉल के अंदर किसी बात को लेकर मारपीट हुई। वहीं से जब यह लोग बाहर निकले, तब उसके साथ करीब 10 की संख्या में लड़कों ने जिलानी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इधर जानकारी के अनुसार वारदात कल शाम की बताई जाती है, लेकिन अब यह आज वारदात को लेकर आक्रोशित भीड़ ने नाका 5 स्थित कोतवाली थाना को घेर लिया तथा अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे। इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद अगुवाई करने में जुट गए हैं, जहां लहरियासराय थाना की पुलिस, बहादुरपुर थाना की पुलिस, नगर थाना की पुलिस, विश्वविद्यालय सदर थाना एवं मब्बी थाना की पुलिस सहित कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। आगे देखिए क्या है मामला। कौन बोला? वही लड़का लोग जो कांड किया। ये सब बात मॉल में हुआ? हाँ, मॉल में धक्का दिखी दिया। हम लोग का भी वीडियो देख सकते हैं मॉल का, वहाँ पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं भैया गलती हो गया, लेकिन धक्का पे धक्का देते जा रहा है। आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 3 आदमी थे। लेडीज भी थे साथ में? वो लोग के साथ? वो लोग 6-7 लड़का थे। 4 लड़का मौका वारदात पे था वहाँ पर, उसके बाद 50 लड़का कम से कम बुलाया गया। बाहर में क्या? बाहर में वही तो बोला कि बाहर में निकलो, बाहर में हम लोग निकलते हैं। उसके बाद वो लोग चाकू और बांस क्या क्या चीज सब ये नेशनल सिनेमा के सामने वाले जो है बिजली ऑफिस के अंदर रखे हुआ था। कहते कि भैया यहाँ लड़ाई न करिए, आप बाहर जाइए या प्रशासन को हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बात भाषा वैसी तो ऐसे नॉर्मली भी हो जाती किसी से, तो हम लोगों को ये सब चीजें देखा, लेकिन बाहर जाने के बाद काफी लड़ाई हो गई। झगड़ा के कारण तो कहीं ना कहीं यही से था, क्योंकि टकराया तो यही टकराया यहाँ पे। हो सकता है कि टकराने से तो आपसे टकराएंगे तो नॉर्मली झगड़ा नहीं बनता है, कोई गाड़ी से भी लग जाती है तो झगड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था। क्योंकि यहाँ का झगड़ा बहुत विस्तार उभर चुका है, एक आदमी आईक्यू में भर्ती है, पार्क में बहुत नाजुक स्थिति है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी ये सूचना प्रशासन द्वारा कल मिली थी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग तो सर भगवान से यही कामना करते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी। कल शाम का है, कल शाम एक नवयुवक जिसका नाम मोहम्मद जिलानी है और उनकी माँ का नाम जफरा खातून है, वो लड़का जिलानी जो स्मार्ट बाजार है कोतवाली थाना अंतर्गत, वहाँ कुछ खरीदारी के लिए आया हुआ था। अंदर बाजार के अंदर ही जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो रैक्स होते हैं सामान के, उनके आसपास कुछ लड़कों में मामूली सामान लेने उठाने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, हल्का कंधा रब किया है, इस तरह की मामूली घटनाएं हुई हैं। उसके बाद देख लेने की बात कही गई कि बाहर निकलो देखा जाएगा, और वो लड़का बाहर आया। बाहर आने के बाद स्मार्ट बाजार के कैंपस के जस्ट बाहर थोड़ी दूर रोड के उस तरफ, उस पर कुछ लड़कों के द्वारा से घेर कर हमला किया गया है। उस पर
हमले में उसे सीरियस चोटें आई हैं, बांस वांस से उसे मारा गया था, बांस के पट्टे से सर पे वार किया गया था। उसके पश्चात लोग थाने पर आते हैं, थाने पर आकर पुनः फिर लोग कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझौता ये बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही कांड दर्ज किया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि चोट सीरियस थी इसलिए वर्तमान में वो पारस अस्पताल में एडमिट है। ये जो लोग आए हुए हैं वो परिजन हैं, कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है, जो नामजद हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, कुछ लोगों को उल्टाचिन लाए भी गए। इसमें 7 लोग नामजद किए गए हैं। किसी गिरफ्तारी नहीं होती फर्स्ट में से? एक गिरफ्तारी हुई है जो इन नामजद में से नहीं है, लेकिन उसे पूछताछ के तौर पर उसे लाया गया है। अभी सर जो लड़का है जिलानी जो घायल है, क्या स्थिति है? देखिए स्थिति गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर मॉल के अंदर जो मारपीट हुई, जो अंदर में स्टाफ किसी ने कुछ बताया कि किस लिए झगड़ा? देखिए मॉल के अंदर मैंने कहा ना पहले भी, मॉल के अंदर कोई मारपीट नहीं है, जस्ट हल्की सी नोकझोंक हुई, एक कंधा टकराया है और ठीक है बाहर निकलो देखते हैं, इतने तक की बात है। मॉल के अंदर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, फाट भूसा कुछ भी नहीं चलाया गया, नहीं चला गया। मॉल के बाहर जो घटना हुई है वो हुआ है। सर जिलानी के साथ 2 लड़के और भी थे, उनसे कुछ पूछताछ की? सर उनसे पूछताछ की जा रही है। किस मोहल्ला के रहने वाले हैं सर लोग? ये सेनापत कॉलोनी के रहने वाले। और सर जो दूसरा पार्टी है वो जो आकर को जिलानी को मारपीट, सारे आसपास के हैं, मुगलपुरा के हैं, मुफ्तीबुल्ला के हैं, सबके लिए छापेमारी की जा रही है। थैंक यू।